नमस्कार दोस्तों, BSET की क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। और आपका जो भी स्कोर रहता है तो उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि महाद्वीप है उनमें से कौन से महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या एशिया। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था आपको बताना है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जापान का विशालतम द्वीप है आपको बताना है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होकेडो, सिकोंकू, होदोरी या होनशु। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी होनशु तो बिल्कुल सही हो जाएगा। होनशु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और टोक्यो जो राजधानी है जापान की इसी द्वीप पर स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जापान की मुद्रा लिखनी है। कमेंट बॉक्स में जापान की मुद्रा को लिखिए। भारत में निम्नलिखित नगरों में किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? तो आपको बताना है गुलाबी नगर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़ या श्रीनगर। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगर और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में होता है आपको बताना है। आयरन प्रचुर मात्रा में किस फल में होता है? ऑप्शन है जामुन, करौंदा, लोकार्ट या अमरूद। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी करौंदा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। करौंदे में लोहा जो है प्रचुर मात्रा में होता है। अफीम का वनस्पतिक नाम है आपको अफीम का वनस्पतिक नाम बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी पेपेवर सोमनीफेरम तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपेवर सोमनीफेरम है अफीम का वनस्पतिक नाम। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यानी भू राजस्व से जितना टैक्स है भू से प्राप्त होता है उसकी मतलब किस रेट से लिया जाना चाहिए धर्मशास्त्रों के अनुसार, यानी वेदों और पुराणों के अनुसार जो टैक्स है वो भू राजस्व कितने रेट से लिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी 1/6 तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भू राजस्व का 1/6 जो है हिस्सा लिया जाना चाहिए धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? तो इसे ध्यान रखना है आपको। सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी थी? ऑप्शन है साहिर लुधियानवी, फैज मोहम्मद फैज, मोहम्मद इकबाल या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी फैज मोहम्मद फैज तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फैज मोहम्मद फैज ने लिखी थी सुबह आजादी और ये आई एस प्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक बुक लिखी है? अयोध्या 6 दिसंबर 1992। ऑप्शन है आपके पास चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, जसवंत सिंह, अरुण शौरी। ये ISP सन 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी पीवी नरसिंह राव तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पीवी नरसिंह राव ने बुक लिखी थी अयोध्या 6 दिसंबर 1992। नाइनटीन फिफ्टीन और 1916 में दो होम रूल लिंग आरंभ किए गए थे, इनका नेतृत्व किनने किया था? तो आपको मालूम है कि दो होम रूल लिंग जो हैं चलाए गए थे। ऑप्शन देख लीजिए।
अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों होम रूल जो थे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर चलाए थे। एक होम रूल चला था तिलक द्वारा और एक था एनी बेसेंट के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर के एस कृष्णा। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी होमी जे भाभा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा का जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहलाते हैं होमी जे भाभा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे महात्मा गांधी, तो उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गेट, अफ्रीकानर, इंडियन ओपिनियन। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आपके ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संरक्षण तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों बिना मिट्टी के पौधों को उगाना, बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? यानी असम और बिहार में वैष्णव धर्म को किसने फैलाया था? आपके ऑप्शन है चैतन्य, माधव, शंकरदेव या वल्लभाचार्य। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकरदेव ने असम और बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। आपके ऑप्शन है रामदास, तुकाराम, बामन पंडित, गंगघाट। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए रामदास तो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? आपको बताना है कौन सा रोग अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के द्वारा जो है फैलते रहते हैं। आपके ऑप्शन है रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधता। तो यहाँ पर अनुवांशिक रोग नहीं होगा, वो है रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिससे आँखों में धुंधलापन छा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये कोई अनुवांशिक रोग नहीं है। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए उपयोगी होता है? यानी बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है मधुमक्खी, बर्रे, तितली या पतंगा। ये यूपीपीसीएस सन 2002 का क्वेश्चन है। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए मधुमक्खी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमक्खी का प्रयोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी इल्तुतमिश तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो इस तरीके से इल्तुतमिश बन गया था गुलाम का गुलाम, ठीक है ना? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो ऑप्शन देख लीजिए। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी सआदत खां तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। रक्त का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन है 5, 6.4, 7.4 या 8।
तो अगर आप चुनते हैं 7.4 तो बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सचिवालय भवन राइट बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व कर्नाटक। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है वो राइट बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किसे कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी कन्याकुमारी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्याकुमारी को कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोलॉजी, टोमोग्राफी या हाइड्रोलॉजी। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए होरोलॉजी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, होरोलॉजी को समय मापक विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? आपको बताना है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है। आपके ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर, जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियोस आपको कैसी लगी, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? अगर इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आप और अधिक पाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए कि आप क्या सुधार चाहते हैं और किस टॉपिक पे चाहते हैं या पार्टिकुलर किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों बीएसएटी की क्लासेस से जुड़ने के लिए।